और 7 RCR का नाम बदल के एकात्म मार्ग कर दिया गया, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है रखे हैं, तो क्यों ना इसका नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखा जाए। और गुरु गोविंद सिंह जी एक तरह से सिखों के गुरु नहीं है, सभी धर्मों के गुरु हैं। लेकिन जब चर्चा सबकी हुई आपस में, तो चर्चा में बहुमत इस बात पे था कि लोक कल्याण मार्ग इसको रखा जाए। मैंने सुझाव दिया कि चूंकि ये कोई ऐरा गैरा मार्ग नहीं है, यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और प्रधानमंत्री की हम सब लोग सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, सबके होते हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों ना प्रधानमंत्री जी से राय ले ली जाए कि वो क्या नाम चाहते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम चाहते हैं कि रेसकोर्स रोड लागू रहना चाहते हैं, कि वो लोक कल्याण मार्ग चाहते हैं, कि कुछ और चाहते हैं। लेकिन उसमें भी सबकी सदस्यों की राय बनी कि नहीं, इसमें किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। हम NDMC इसके लिए, मेरा अपना मानना है कि जनतंत्र में जनता की राय बहुत ज़रूरी होती है और ये तो प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन चूंकि सब माननीय सदस्यों की ये राय बनी, तो आज NDMC ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि इसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग रखा जाएगा। मैं सिर्फ बात कही, मैं उसी को दोबारा से दोहराना चाहती हूँ। पहले कल तक हमारा प्रस्ताव मेरी तरफ से था कि इस सड़क का जो नाम है वो रेस कोर्स जो है वो किसी भी आदर्श, कम से कम प्रधानमंत्री के लिए एक आदर्श नहीं साबित होता, इसलिए उसका नाम बदलकर एकात्म मार्ग किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये बात मीडिया के द्वारा तमाम जनता के बीच में गई तो सबकी तरफ से ऐसे सुझाव आए, और उस सुझाव में जो प्रमुख सुझाव था कि इसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया जाए। तो फिर जब यहाँ पहुँचे और इस बात पे जिक्र हुई, और जैसा कि अरविंद जी ने आपको बताया कि उनके पास भी सुझाव आया और उनके पास प्रमुख सुझाव गुरु गोविंद सिंह जी का आया, तो मैंने उसमें ये बात जरूर कही कि गुरु गोविंद सिंह जी का सुझाव हमारे पास सिख संगठनों से आया था, और उसमें ये निर्णय लिया गया, और जो कि मैंने NDMC काउंसिल को ये डाक भी आई हुई है कि जो रकाबगंज गुरुद्वारा है उसका जो राउंड अबाउट है उसका नाम गुरु गोविंद सिंह राउंड अबाउट किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री निवास आने वाले सब समय के लिए एक ऐसा स्थान है जिस पर किसी भी धर्म, जाति या पार्टी के जो व्यक्ति है वो निवास करेंगे, और प्रधानमंत्री के रूप में, और लोक कल्याण से प्रेरणा लेकर ही हम सब राजनीति में उतरे हैं। तो चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बाकी सब लोग हों, और भारत के प्रधानमंत्री भी लोक कल्याण से ही प्रेरित होकर राजनीति करते हैं, और लोक कल्याण से बड़ा तो शायद कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उसका नाम लोक कल्याण रखा जाना चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री जी की निजी राय का सवाल है, तो मैंने अरविंद जी को भी ये बात कही और दोबारा दोहरा रही हूँ कि कोई भी जो कानूनी नियम है उसके तहत ही नाम का बदला जाना या ये चीजें संभव होती है। अरविंद जी जिस मार्ग पर रहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, ये चाहकर भी उसका नाम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी की चाहना या ना चाहना इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से जो कायदा कानून है और जो ऑथराइज बॉडी है वही इस काम को क्रियान्वयन कर सकती है, और ऐसे में NDMC को ही पूर्ण रूप से अधिकार है ये काम करने का, और NDMC काउंसिल ने ये सम्मानजनक निर्णय लिया है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर इसका निर्णय सर्वसम्मति से पारित हुआ है, और मैं इसके लिए पूरी काउंसिल को बधाई देना चाहती हूँ, और खासतौर पर अरविंद जी और सुरेंद्र जी को बधाई देना चाहती हूँ। मैम, क्या ये जो नाम की प्रक्रिया है, क्या इससे पहले बाद में प्रपोजल पास करें उसके बाद फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, तो नेमिंग कमेटी नाम फाइनल हो गया है, लेकिन उसकी एक औपचारिकता रह जाती है नोटिफिकेशन और उस सबकी, और ये इसका जो जवाब है वो नरेश जी बेहतर दे पाएंगे। NDMC Act empower the council to name any public road, and therefore there is no need for sending any proposal to the state. चलिए, तो रेस कोर्स रोड का नाम अब बदल गया है, रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है। रेस कोर्स रोड यानी वो स्थान, वो रोड, वो जगह जहां पर प्रधानमंत्री का आवास है, 7 RCR जिसको अब तक कहा जाता रहा, वो अब बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कहलाएगा। और जैसा कि मीनाक्षी लेखी बता रही थी कि NDMC
में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद केजरीवाल स्वास्थ्य कारणों से वहां पर मौजूद ना रह पाए, लेकिन वो खुद भी इस बैठक में शामिल हुए और एनडीएमसी में सर्वसम्मति से रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। तो ये प्रस्ताव एनडीएमसी में सर्वसम्मति से पारित हो गया है और अब महज औपचारिकताएं भर बची हैं नोटिफिकेशन की, जैसा कि वहां पर संबंधित अधिकारी बता रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेस कोर्स रोड नाम बदलने को लेकर अरविंद केजरीवाल और मीनाक्षी लेखी की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो रेस कोर्स रोड का नाम अब लोक कल्याण मार्ग होगा। तमाम सुझाव आमंत्रित किए गए थे इस नाम को बदलने से पहले, जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी गई, और आखिर में लोक कल्याण मार्ग पर सहमति बनी। और जैसा कि मीनाक्षी लेखी कह रही थी कि लोक कल्याण मार्ग से, क्योंकि सभी जितने भी नेता राजनीति में उतरे हैं वो लोक कल्याण से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का वहां पर निवास स्थान है, वो वहां रहते हैं, तो लोक कल्याण मार्ग नाम फाइनल हुआ है। तो अब RCR रेस कोर्स रोड न कहलाकर प्रधानमंत्री का जो आवास है वो 7 लोक कल्याण मार्ग होगा। तो नाम बदल गया है 7 RCR का। प्रधानमंत्री के आवास का जो पता है, नंबर वही है, लेकिन जो जगह का नाम है वो रेस कोर्स रोड बदलकर अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी का। राघवेंद्र, सर्वसम्मति से कहा जा रहा है, प्रस्ताव तो वैसे भी पारित होना ही था क्योंकि बीजेपी का बहुमत है एनडीएमसी में, लेकिन सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और सबसे हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर होंगे या नहीं, इसको लेकर एक बड़ी बात थी पर वो वहां पर दिखाई दिए। देखिए बिल्कुल, और जैसा कल आपने सुना होगा कि कमांडो सुरेंद्र सिंह जो एनडीएमसी के सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका भी कहना था, और क्योंकि कल जब प्रस्ताव और इस तरह की जो खबर थी कि एकात मार किया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलोसफी थी, और दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के प्रेरणा स्रोत हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं इशू राजनीतिक होता, क्योंकि पहले जब योजनाओं के भवनों के नाम रखे जाते थे, सड़कों के नाम रखे जाते थे और बीजेपी विपक्ष में थी तो अटैक किया करती थी सरकार पर, और ऐसे में अब सत्ता में आने के बाद, क्योंकि कल ही पर्यावरण भवन का नाम अंत्योदय भवन किया गया है पंडित दीनदयाल जी के नाम से किया गया है, तो उसमें एक सवाल उठ सकता था, और इसलिए जो सहमति बनी है वो लोक कल्याण रोड किया जाए उस नाम पर बनी है। लेकिन अगर बयान देखें आप तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि प्रधानमंत्री कहने से हुआ है, जबकि दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी का ये कहना है कि सुझाव मांगे गए थे लोगों से, लोगों की जो मंशा थी जिस तरह कि रेस कोर्स जो है भारतीय संस्कृति से मैच नहीं खाता है इसलिए उसका नाम बदला जाना चाहिए, तो अपने अपने तर्क हैं और निश्चित तौर पर इसमें भी लोग अपने अपने स्तर से सियासत कर रहे हैं और सियासत तलाश भी रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से भी जरूर विचार विमर्श किया गया इस नाम पर। राघवेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री से विचार विमर्श किया या नहीं किया, मीनाक्षी लेखी ने चूंकि पत्र लिखा था 9 सितंबर को, और ये एनडीएमसी का अपना अधिकार होता है कि एनडीएमसी के इलाके में जो सड़कें होती है उनका क्या नाम रखा जाए, लेकिन सरकार में चूंकि एनडीए है बीजेपी की अगुवाई में सरकार जो है, और जिस तरह के नाम रखे जा रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कल पर्यावरण भवन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय भवन किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो वैचारिक जो स्तर है, जो विचारधारा है बीजेपी की आरएसएस की, उससे जो मिलते जुलते नाम है और जो प्रेरणा स्रोत उनके रहे हैं उन्हीं पर नाम रखे जाते हैं, तो ये यकीनन इसमें सैद्धांतिक सहमति तो होती है, प्रधानमंत्री की भी होती है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो पहले एकात्म मार्ग रखने की बात हो रही थी लेकिन अब जो सहमति बनी वो लोक कल्याण मार्ग के नाम पर सहमति बनी है, तो अब 7 RCR की जगह 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, भारत के प्रधानमंत्री का पता।